कॉमनवेल्थ गेम में 94 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले विकास ठाकुर के घर खुशी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि परिवार को मलाल है कि यदि उसे प्रैक्टिस का मौका मिलता तो आज विकास को गोल्ड मेडल मिलता। विकास के पिता ब्रिजलाल ठाकुर, माँ आशा ठाकुर व बहन अभिलाषा ठाकुर के अलावा जीजा व अन्य परिवार एक दूसरे को खुशी बना रहे हैं तथा एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। बेटे की तैयारी पूरी तैयारी सी, बट 94 कैटेगरी कंपीटिशन बड़ा टफ सी, क्योंकि जो कंपीटिटर सी नाल दे अपने ओ काफी देर तो उन्होंने कैटेगरी संभाली सी। सडनली लास्ट ईयर ही इसने 94 च कैटेगरी किया, क्योंकि लास्ट टाइम सिल्वर मेडलिस्ट सी 2014 गेम्स का, उस वेले सिर्फ 1 kg ते गोल्ड तो रह गए सी। उस वेले 333 टोटल विकास ने किते सी, ते पीटरसन न्यूजीलैंड दे सी, उन्होंने 334 करके ते गोल्ड हासिल किते सी। तो मलार रह गए सी कि मैं गोल्ड जिहड़ा है अपना 85 कैटेगरी च अगली गेम च लियाऊंगा, लेकिन सडनली जिहड़ी है कैटेगरी अपग्रेड करना पई। लेकिन बहुत अच्छा है कि ब्रॉन्ज मेडल भी आया, काफी मेहनत बच्चे ने की सी, उन्होंने फल मिलिया। लेकिन आने वाले टाइम 2022 दे विच जिहड़ी कॉमनवेल्थ गेम आएगी 94 दे विच इंडिया का जिहड़ा है वह गोल्ड पक्का होएगा। ये बेटे ने उतो ही इंश्योर दी कि पापा नेक्स्ट टाइम इंडिया का टीवी में देखा झंडा लाया तो कितनी खुशी होती है, इतनी खुशी भी और आंसू भी नहीं रुके, बहुत बहुत ज्यादा। आज उसने गेम खेला था तो कैसे आप टीवी पे तैयारी कर रहे थे? आपने बोला कि नहीं, जब वो टीवी पे आता है तो बस मैं एक बार देख लेती हूँ, जब वजन उठा लेता उसके बाद आंखें खोलती हूँ, बस प्रेयर करती रहती हूँ। क्या बस मेरी तो दुआ है बेटा मेहनत करे आगे जाए, बस जब रिप्ले आता फिर देखती हूँ मैं अब कैसे उठाया क्या किया, पहले तो मैं आंखें बंद कर देती हूँ। तो जैसे आपने बोला कि मैंने बेटी को भी बुला लिया था, स्पेशल हाँ बेटी को बुलाया, दामाद को बुला लिया, कल मैं के बेटा आ जाओ विकास का कंपटीशन है, हम अकेले है यहाँ पे, ऐसे मैं तो थी भी मेडल आएगा कोई भी आए पर जरूर आएगा, ऐसा जितना वो मेहनत करता है और रात दिन जुड़ा हुआ। मतलब बेटे को क्या खाने में शौकीन था, उसके लिए क्या तैयारी की आपने? मेरा बेटा खुश रहता, मैं जैसे जो भी मैं बनाऊं अच्छा लगता है, कई बार आता है पटियाले से तो रात को भी आता है, 11 बजे भी आ जाता है, कई बार सरप्राइज में आप क्या डिश क्या कर रहे हो उसके आप राजमा चावल बना दो कुछ भी बना दो खुश होके खा लेता है, कहता मम्मी कई बार जैसे लेट आता है मम्मी मैं बाहर से लेके आऊंगा आप खा लेना, पर मैं नहीं खाऊंगा मैं घर का ही खाऊंगा। जो परफॉर्मेंस उसने दी है मतलब अमेजिंग, और मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स किस हिसाब से उसने हमें ये मोमेंट दिया है, और इंडिया फ्लैग को जो देखने का मतलब हर किसी का सपना होता है, एथलीट का तो स्पेशल ऑब्वियसली ड्रीम रहता है, लेकिन हम भी एज ए ऑडियंस हम जब देखते हैं कि ऑब्वियस हमारे इंडिया का मेडल बढ़ेगा तो हम काफी देखते हैं यार इंडिया का मेडल आएगा, इंडिया का मेडल आएगा, इंडिया का फ्लैग हो, पर अब खुद का भाई उस पोडियम पे खड़ा होके और इंडिया का फ्लैग ऊपर जा रहा था जिस हिसाब से, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था और मतलब मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। साथ कैसा रहा उसके साथ रहे, कैसा रहा साथ? तो जाने से पहले उसने क्या बात की थी आपसे फोन पे? वो हाँ जाने से पहले पूरी टीम इनकी दिल्ली से होके गई थी और हम दिल्ली में रहते हैं तो मेरे पास आए थे, साथ में इनके बैचमेट भी थे वहाँ पे गुरदी और प्रदीप सिंह, वो भी अलग वेट कैटेगरी में अभी उनका कॉम्पिटिशन कर ले। जागती लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।